सोयाबीन में गिरावट की आशंका बनी हुई है। दरअसल ग्लोबल सोयाबीन प्रोडक्शन बढ़ने का अनुमान है कि सोयाबीन सहित सनफ्लावर उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है और पाम के अंदर भी। इधर ग्लोबल सोयाबीन उत्पादन बढ़कर 740 लाख टन तक पहुंच सकता है, जिसके चलते इसमें गिरावट आ सकती है। वहीं बात करें अगर सरसों की, तो ग्लोबल सरसों के उत्पादन में 13 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है। 2021-22 में ग्लोबल सरसों उत्पादन घटकर 620 लाख टन संभव है। खपत के मुकाबले ऑयलसीड उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं ग्लोबल ऑयलसीड रकबा में तेजी के से बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।